स्टूडेंट्स, आपका विवेकानंद आश्रम कॉन्सेप्ट की मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे आपको जो एक्सरसाइज फर्स्ट है, टॉपिक है आपका सेट समुच्चय, उसके बारे में हमने लास्ट समुच्चय के प्रकारों के ऊपर डिस्कस कर रहे थे। अब समुच्चय के प्रकार में पहला प्रकार था आपका रिक्त समुच्चय, यानी वह समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव विद्यमान नहीं हो उसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं और उसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद जो हमने पढ़ा था परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय का मतलब ये हो गया कि वह समुच्चय जिसमें जितने भी अवयव है उनको हम काउंट कर सकें तो वो क्या कहलाता है, आपका परिमित समुच्चय कहलाता है। और इसका अपोजिट है वो हो जाएगा आपका अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय का मतलब ये हो गया कि वह समुच्चय जिसमें उपस्थित अवयव जितने भी अवयव विद्यमान है उनको हम काउंट नहीं कर सके, यानी आपका अनंत तक वह चलता जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमित समुच्चय कहते हैं। उसी में अगला पार्ट है फिर आपका समान समुच्चय। और समान की बात आ रही है तो हमारे पास कम से कम दो समुच्चय तो होने ही चाहिए। अब दो समुच्चय आपके पास होंगे तो दोनों समुच्चय समान समुच्चय कब कहलाएंगे, जब एवरीथिंग इज इक्वल, सब कुछ बराबर हो, यानी मजले कोष्ठक के अंदर सारी चीजें क्या होनी चाहिए, आपकी बराबर होनी चाहिए, तभी उसे हम क्या कहेंगे, समान समुच्चय कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि ए आपका समुच्चय है जिसमें एक दो तीन और चार दिया हुआ है, और बी आपका समुच्चय है जिसमें एक दो तीन और चार इस प्रकार भी दे सकता है अगला, या बी को ऐसे भी दे सकता है, मतलब इसमें क्रम की कोई दिक्कत नहीं, समुच्चय में क्रम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनको आगे पीछे भी कर सकता है, जैसे दो तीन एक और चार ये भी हो सकता है, तो आपका ए बराबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये जो आपका बराबर का चिन्ह है ये कैसे उभरता है कि भाई ये समुच्चय है वो आपका समान समुच्चय है, यानी दोनों चीजें क्या होनी चाहिए इसमें, बराबर होनी चाहिए। तो ए और बी बराबर कब कहलाएगा, जब एवरीथिंग इज इक्वल, देखो समुच्चय आपका जो मजला कोष्ठक है उसके अंदर सारी चीजें बराबर है, इसमें एक है, दो है, दो है, तीन है, तीन है, चार है, चार है, तो इसे हम क्या कहते हैं, समान समुच्चय कहते हैं, यानी ए व बी आपका समान समुच्चय कहलाता है। उसके बाद में देखो आपके जो टाइप्स है समुच्चय के वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मैं कह रहा है कि निम्न समुच्चय में कौन कौन से समुच्चय रिक्त है, रिक्त होने का मतलब कौन कौन से रिक्त समुच्चय है, इनकी अपने को पहचान करनी है। तो क्वेश्चन फर्स्ट में आपको चार क्वेश्चन अलग से और दिए गए हैं, इन चारों में से पता करना है, यानी चार समुच्चय दिए गए हैं, चारों समुच्चय में कौन कौन से रिक्त समुच्चय है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रिक्त समुच्चय होता क्या है, तो रिक्त समुच्चय वह समुच्चय होता है जिसमें कोई अवयव विद्यमान नहीं हो। अब हमें इनमें कैसे पता चलेगा कि अवयव विद्यमान है या नहीं है, तो ये सारे आपको समुच्चय निर्माण रूप में दिए गए हैं, तो इनको जब रोस्टर रूप में आप कन्वर्ट करोगे तब आपको पता चल जाएगा कौन सा समुच्चय रिक्त है, कौन सा समुच्चय रिक्त नहीं है। तो हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट, इस पे फर्स्ट पे दो से भाज्य, यानी जिसमें दो का पूरा पूरा भाग जाता हो, वो विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, यानी दो से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। तो आपको पहले पता होना चाहिए विषम प्राकृत संख्या होती क्या है। तो देखो वह संख्या जिसमें दो का भाग नहीं जाता हो वो संख्या आपकी क्या कहलाती है, विषम संख्या कहलाती है। अब विषम संख्याओं में दो का भाग नहीं जाता तो फिर वो दो से भाज्य विषम प्राकृत संख्या हम लाएंगे कहां से, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि विषम प्राकृत संख्याओं में दो का भाग ही नहीं जाता इसका मतलब इसमें कोई अवयव विद्यमान नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई संख्या नहीं है। अब आप कहोगे चार हो गया सर, लेकिन चार में दो का भाग जा रहा है दो बार, लेकिन चार आपका सम है और अगला क्या कह रहा है, विषम कह रहा है, इसका मतलब इसमें कोई अवयव विद्यमान नहीं है, तो ये आपका क्या हो गया, रिक्त समुच्चय हो गया। तो फर्स्ट तो आपका रिक्त समुच्चय का एग्जाम्पल है। अब सेकंड की बात करते हैं, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या होती क्या है, आपको पहले दो में बता चुका हूँ, फिर से एक बार बता रहा हूँ, अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो एक से तो बड़ी होती है और उसमें खुद के और एक के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता हो, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे एक से बड़ी है ये दो, दो में दो के अलावा और एक के अलावा किसी का भाग नहीं जा रहा, तो ये अभाज्य है। तीन अभाज्य है, चार अभाज्य, नहीं कि चार में दो का भाग जा रहा है, पांच अभाज्य है, सात अभाज्य है, ग्यारह अभाज्य है, तेरह अभाज्य है, सत्रह अभाज्य है, उन्नीस अभाज्य, इस प्रकार से चलती जाएगी। अब देखो
इनमें से हमें सम संख्याएं लेनी है। तो देखो पहला जो दो है केवल दो आपका सम है, उसके अलावा सारे क्या है आपके विषम है। तो दो तो है ही है, तो इसका मतलब इसका आपका जो रोस्ट रूप है उसमें दो आ जाएगा। अब दो आ गया, इसका मतलब दिस इज नॉट इक्वल टू फाइव, यानी आपका ये रिक्त समुच्चय नहीं है क्योंकि इसमें अवयव दो आ चुका है। तो ये आपका जो कि आपका सेकंड पार्ट है वो रिक्त समुच्चय का एग्जांपल नहीं है। अब बात करते हैं थर्ड पे। थर्ड कह रहा है एक्स कॉलन एक्स एक प्राकृत संख्या, तो एक्स एक प्राकृत संख्या है, इसका मतलब ये हो गया एक्स बिलोंग्स टू एन, और एन क्या होता है आपका एक दो तीन चार पाँच, इस प्रकार से ये आपका एन हो गया। एक्स कह रहा है एक्स एक प्राकृत संख्या है, एक्स लेस देन पांच यानी एक्स का मान पांच से छोटा है, और साथ ही साथ एक्स का मान एक्स ग्रेटर देन सात यानी एक्स का मान सात से बड़ा है। तो देखो एक्स का मान पांच से तो छोटा है और सात से बड़ा है, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या कि ये कह रहा है कि एक्स का मान पांच से छोटा भी होना चाहिए और सात से बड़ा भी होना चाहिए? पांच से छोटा और सात से बड़ा ऐसा पॉसिबल नहीं है। पांच से छोटा और सात से भी छोटा तो पॉसिबल हो जाता, चार हो जाता, तीन हो जाता, दो हो जाता, एक हो जाता, लेकिन ये उल्टा कह रहा है। ये कह रहा है जैसे अपन बनाते हैं इसमें डायग्राम कि यहाँ आपका पांच है, यहाँ आपका छह है और यहाँ आपका सात है, और इधर माइनस अनंत से प्लस अनंत ले लिया हमने, यानी इधर मान हो जाएंगे जैसे इधर चार हो गया, इधर तीन हो गया, इस प्रकार से। अब ये कह रहा है पांच से छोटा इधर चलना है, मतलब इधर चलना है, और कह रहा है सात से बड़ा, तो सात से बड़ा जैसे आठ है, इधर नौ है, ऐसे इधर चलना है। तो इन दोनों में तो कुछ कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है, इसके रास्ते अलग है, इसके रास्ते अलग है। ये कह रहा है साथ साथ में दोनों होने चाहिए, दोनों साथ साथ में नहीं हो रहे, इसका मतलब इसमें कोई भी अवयव विद्यमान नहीं होगा। जब कोई भी अवयव विद्यमान नहीं होगा तो इसका मतलब ये हो गया कि ये आपका फाई है, फाई यानी रिक्त समुच्चय का एग्जाम्पल है। अब डिस्कस करते हैं आपके लास्ट पार्ट पर। लास्ट पार्ट क्या कह रहा है कि y कोलन y किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। उभयनिष्ठ बिंदु का मतलब एक ऐसा बिंदु जो दोनों समांतर रेखाओं पर विद्यमान हो। तो आपको बता देते हैं कि अगर कोई भी बिंदु दो समांतर रेखा दो रेखाओं पर अगर कोई बिंदु उभयनिष्ठ हो तो वो समांतर रेखा नहीं कहलाती, वो क्या कहलाती है आपकी प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। जैसे ये आपकी दो समांतर रेखा हो गई L1 और L2, ये किसी भी बिंदु पर आपस में नहीं मिलेगी, नहीं मिल रही है तभी तो ये समांतर है। अगर ये किसी बिंदु पर मिल जाती जैसे ये L1 है और ये आपका L2 है, इन दोनों में ये बिंदु आपका O बिंदु उभयनिष्ठ आ गया, तो अब देख लो ये समांतर है क्या, ये समांतर नहीं है। समांतर होगी वो तो कहीं मिलेगी नहीं, जो मिल जाएगी फिर वो समांतर नहीं रहेगी। तो अगला एग्जाम्पल क्या, अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दोनों समांतर रेखाएं, दोनों समांतर रेखाएं हैं, इसका मतलब इनका कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है। उभयनिष्ठ नहीं है इसका मतलब ये हो गया इसमें अवयव विद्यमान नहीं है, तो इसको हमने फाई से प्रदर्शित कर दिया। तो देखो हमें फर्स्ट क्वेश्चन में चार पार्ट दिए होते हैं जिनमें से तीन पार्ट तो आपके रिक्त समुच्चय के उदाहरण है और एक पार्ट है वो आपका रिक्त समुच्चय का उदाहरण नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें दो आ गया, इसमें दो आ गया ना अवयव, इसलिए। अब चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित समुच्चय में कौन से परिमित है और कौन अपरिमित है, इसके बारे में अपने को बताना है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि परिमित और अपरिमित होता क्या है। तो परिमित वह समुच्चय होता है जिसमें अवयवों की संख्या काउंटेबल हो, यानी इसकी गणना हम कर सके कि इसमें कितने अवयव विद्यमान है, और अपरिमित समुच्चय वो हो गया जिसमें उपस्थित अवयवों की संख्या अनकाउंटेबल हो, यानी जिसको हम काउंट नहीं कर सके, वो क्या कहलाएगा आपका अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। अपरिमित समुच्चय का एक बेस्ट एग्जाम्पल तो यही है कि जिसमें लास्ट में ऐसे डैश डैश दिया हुआ हो, इसका मतलब इसमें दो चार अवयव लिख दिए यहाँ पे, जैसे एक दो तीन लिख दिए और डैश 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 जहां आ जाए तो वहां आपका क्या हो गया अपरिमित समुच्चय हो गया। तो अब हम डिस्कस करते हैं। तो आपका क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें कह रहा है कि वर्ष के महीनों का समुच्चय, तो वर्ष में कितने महीने होते हैं, ये आप सबको पता है कि 12 महीने होते हैं जनवरी से लेके दिसंबर तक, तो ये सारी चीजें आपकी काउंटेबल है, यानी 12 महीने इसमें आएंगे। तो 12 महीने आए इसका मतलब इसमें कितने अवयव हो गए, 12 अवयव हो गए, 12 अवयव। तो अवयव काउंटेबल है या नहीं है, तो अवयव काउंटेबल है क्योंकि इसमें 12 महीने आ रहे हैं, तो ये समुच्चय आपका क्या हो गया परिमित हो गया, परिमित समुच्चय। फिर बात करते हैं दूसरे पे। यहाँ देखो आपका
इस समुच्चय में एक दो तीन फिर डेढ़ 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 आ गया। तो मैंने कहा डेढ़ डेढ़ आ गया, इसका मतलब क्या है कि आगे चलता जा रहा, आगे कहाँ से चलता जा रहा, अनंत तक चलता जा रहा। जो चीज अनंत तक पहुंच गई वो क्या हो गई, आपकी अनकाउंटेबल हो गई, यानी अपरिमित हो गई। उसको हम काउंट नहीं कर सकते। फिर आपके देखो एक दो तीन डेढ़ डेढ़ आ गया, लेकिन लास्ट में इसने और लिख दिया 99 100, यानी 3 से लेकर 99 तक तो सारे बीच में आ गए और आपके 100 आ गए, यानी 1 से लेकर 100 तक संख्या आया। तो ये सारी की सारी क्या है आपकी काउंटेबल, यानी 100 संख्याएं हो गई आपकी। यहाँ देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बीच में आएगा 97 98 फिर 99 100 को लिख दिया, यानी लास्ट 100 है, स्टार्टिंग की 1 है। तो सारी के सारा अभी है, इसमें जितने भी विद्यमान उनको हम काउंट कर सकते हैं। जहाँ काउंट कर सकते हैं वहाँ क्या हो जाएगा आपका परिमित हो जाएगा, परिमित समुच्चय। चलते आगे, कह रहा 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए धन पूर्णांक क्या होता है, तो जेड प्लस होता है, जेड प्लस पार्ट होता है जेड का, और जेड क्या होता है आपका माइनस अनंत से लेके -3 -2 -1 0 1 2 3 से लेके आपका प्लस अनंत तक, इस प्रकार से होता है ये आपका। तो इसमें जेड प्लस का मतलब क्या, सारी धनात्मक संख्या, यानी 1 2 3 इस प्रकार से चलता जाएगा, प्लस अनंत चलता जाएगा। अब ये कह रहा है 100 से बड़ी धन पूर्णांकों का समुच्चय, तो यहाँ बीच में कहीं 100 आएगा, 100 से आगे चलता जाएगा, अनंत तक चल रहा है ये, 100 से आगे की सारी संख्या इसमें आ जाएगी, पीछे वाले हट जाएगी, तो भी संख्या आपकी क्या होगी, अनंत ही होगी। क्यों, जैसे इसको 100 से स्टार्ट कर दो, बाकी सारे को हटा दो, 100 से स्टार्ट करो 100 आ गया, 100 से बड़ी बात है 101 आ गया, 102 आ गया, 103 आ गया, कहाँ तक आएगा, चलता जाएगा, तो ये अनंत चलता जाएगा, तो ये भी क्या हो गया आपका अपरिमित समुच्चय हो गया, अपरिमित समुच्चय। फिर कह रहा है आपको अगले पार्ट में, कह 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो अभाज्य पूर्णांक होना चाहिए, तो अभाज्य संख्या आपको पता है क्या, 2 से स्टार्ट होती है, 2 3 5 7 11 13 इस प्रकार से चलती जाएगी, हो जाएगी आपके 97, क्योंकि 98 में भाग जाता है, 99 में भाग जाता है, 99 से छोटा होना चाहिए, तो यहाँ से चलती जाएगी, तो 2 से लेकर 97 तक की ये संख्या क्या हो गई आपकी हो गई। तो इनको हम काउंट कर सकते हैं, ये समुच्चय में सारे अभी हुए, लास्ट आपको 97 है, स्टार्टिंग आपका 2 है, तो इसमें जितने अभी हुए उनको हम काउंट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, इसका मतलब ये हो गया आपका परिमित समुच्चय हो गया, परिमित समुच्चय। तो ये लो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समुच्चय में कौन से परिमित है और कौन से अपरिमित है, इसके बारे में बताना है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो भी यही था, अब क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी यही है, इसमें परिमित और अपरिमित के बारे में अपने को बताना है। तो इसमें पहला क्या कह रहा है, एक्स एक्स के समांतर रेखाओं का समुच्चय, यानी एक्स एक्स के समांतर रेखाएं हैं वो काउंटेबल है या नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए एक्स एक्स क्या होता है, तो ये आपका हो गया एक्स एक्स और ये हो गया आपका वाई एक्स। अब इस एक्स एक्स के समांतर अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, अनंत रेखाएं खींच लेकिन जितनी खींच सको उतनी खींच दो नहीं। अब ये सारी अनंत रेखाएं हैं तो इसका मतलब ये काउंटेबल नहीं है, काउंटेबल नहीं है, तो आपके इसमें अवयव जितने भी है वो क्या हो गए, अनकाउंटेबल हो गए, तो ये आपका अपरिमित समुच्चय हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय। क्योंकि इसमें जो अक्ष के समांतर है वो अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, इसलिए ये आपका क्या हो गया, अपरिमित समुच्चय हो गया। फिर कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हमें पता है ए से स्टार्ट होते हैं और जेड पे खत्म हो जाते हैं, यानी टोटल 26 अवयव होते हैं, यानी टोटल 26 लेटर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, काउंटेबल हो गया, और जो काउंटेबल होता है वो अपना क्या हो जाता है, परिमित हो जाता है, तो ये आपका हो गया परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय। उसके बाद आगे चलते हैं, अगला थर्ड क्या कह रहा है, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हो, यानी जिसमें 5 का पूरा भाग जाता हो। तो हम स्टार्ट करते हैं, तो 5 का पूरा भाग जाने वाले कितनी संख्या है, जैसे मान लो हम ले लिया 5 में जा रहा है, 10 में जा रहा है,
15 में जा रहा है, 20 में जा रहा है, इस प्रकार से कहां तक लेते जाओ, बोले जितना ले सकते हो उतना लेते जाओ। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें भी क्या होते हैं आपके अनंत अवयव होते हैं, क्योंकि अनंत चलता रहेगा, ये तो 5 का भाग इसमें लगता हो तो बहुत सारी संख्या ऐसी है, तो इसको हम क्या कहेंगे, अपरिमित कह देंगे, अपरिमित समुच्चय। यानी जिन समुच्चय में अपने को बाउंडेशन यानी अंतिम दिखाई नहीं दे, अंतिम बताया हुआ नहीं हो कि भाई 5 का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक चलना है अपने को, वहां तब तक आपका ये क्या रहेगा कि अपरिमित रहेगा। इसको परिमित बनाना है तो बाउंडेशन जरूरी है, इसमें सीमित करना इसमें जरूरी है, सीमित होगा तभी ये क्या होगा आपका परिमित होगा, अन्यथा अपरिमित चलता जाएगा। अब कह रहा है अगले में चौथे में पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो पृथ्वी पर रहने वाले सारे जानवर है वो काउंटेबल है, क्योंकि उनको हम काउंट करते हैं हर बार, आपको पता ही है कि गणना होती है, कभी जानवरों की होती है, कभी इंसानों की होती है, कभी किसी की होती है, तो उन जनगणनाएं ही क्या होती है आपकी काउंट हो जाती है। तो उसी प्रकार आपके पृथ्वी पर रहने वाले सारे जानवरों को भी काउंट किया जा सकता है। जिनको काउंट किया जा सकता है वो किसका एग्जाम्पल हो गया, आपके परिमित समुच्चय का एग्जाम्पल है। तो ये हो गया परिमित समुच्चय का एग्जाम्पल हो गया। फिर क्या कह रहा है, मूल बिंदु 0-0 से होकर जाने वाले वर्तों का समुच्चय। तो आपको बता दूं एक ही बिंदु से अनंत वर्त गुजर सकते हैं, ये देखो बहुत सारे वर्त ऐसे हैं जो बनाए जा सकते हैं, यानी जिस प्रकार एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर सकती है उसी प्रकार एक बिंदु से ही अनंत वर्त गुजर सकते हैं। तो आपका मूल बिंदु भी एक बिंदु ही है, तो इस बिंदु से क्या होगा आपका अनंत वर्त गुजरे जा सकते हैं, गुजार सकते हैं, तो गुजर जाएगा अनंत वर्त। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें अवयवों की संख्या क्या हो गई, अनंत हो गई, अनंत हो गई, तो आपका क्या हो गया, ये समुच्चय आपका अपरिमित हो गया, अपरिमित समुच्चय हो गया। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, सभी क्वेश्चन जो आपको दिए गए हैं उन पे पहले सोच विचार करना है कि भाई परिमित क्यों है और परिमित नहीं है तो क्यों नहीं है। जब आप ये क्वेश्चन मार्क वाला डिस्कस करने लग जाओगे कि ये चीज हो रहा है तो क्यों हो रहा है, तो आपको सारी चीजें क्या होगी, इसको सर्च करोगे तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कह रखा है निम्नलिखित में बतलाइए कि ए बराबर बी है अथवा नहीं है। ए बराबर बी, बराबर का मतलब समान, यानी आपका ए और बी समान समुच्चय है या नहीं है, इसके बारे में आपको क्या करना है बताना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट का यानी इसमें जो फर्स्ट पार्ट है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। ए बराबर दिया हुआ आपको ए बी सी डी दिया हुआ है, तो आपका ए बी के बराबर होगा जब ए भी इसमें विद्यमान है, तो ए इसमें विद्यमान है, बी भी विद्यमान होना चाहिए, बी भी है, सी भी होना चाहिए, सी भी है, डी भी होना चाहिए, डी भी है, यानी सारे अवयव ए वाले बी में विद्यमान है। उसके बाद अपने को यह भी देखना है कि बी वाले ए में है या नहीं है, तो डी ए में है, सी ए में, सी भी ए में है, बी भी ए में है और ए भी ए में है, तो दोनों में बराबर है, चार चार अवयव है, चारों के चार आपस में विद्यमान है, तो इसका मतलब क्या हो गया आपका ए बराबर बी हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट में, तो इस क्वेश्चन नंबर 2 पर डिस्कस करते हैं, इसी के पार्ट 2 नंबर पार्ट पर, इसके ए के सारे बी में होने चाहिए, चेक करते हैं, 4 है, 8 भी है, 16 भी है और इधर 12 है, इधर तो क्या है 12 है और इधर क्या है 18 है, तो 12 उसमें विद्यमान नहीं है, विद्यमान नहीं है, तो ए इज नॉट इक्वल टू बी। क्या कहोगे, तो कहेंगे समुच्चय ए में उपस्थित अवयव 12 समुच्चय बी में विद्यमान नहीं है, तथा समुच्चय बी में उपस्थित अवयव 18 आपका समुच्चय ए में विद्यमान नहीं है, इसलिए ए और बी समान समुच्चय नहीं है, ये इसका क्या हो गया रीजन हो गया। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की ओर, तो देखो थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, ए बराबर तो अपने को यह दिया हुआ है, बी को क्या दे दिया इसने समुच्चय निर्माण रूप में दे दिया, तो बी को पहले क्या करना पड़ेगा रोस्टर फॉर्म में बदलना पड़ेगा, तो बी को हम रोस्टर फॉर्म में बदलते हैं। तो कह रहा है एक्स सम धन पूर्णांक है, सम धन पूर्णांक का मतलब सम है तो 2, 4, 6 धन की बात और कर रहा है, तो 6, 8, 10, 12, 14, 16 इस प्रकार से चलता जाएगा। साथ में ये और कह रहा है कि 10 के बराबर 10 से छोटा है, यानी इतना ही है, ये है आपका, तो बी समुच्चय आपका हो गया 2, 4, 6, 8 और 10। अब अपने को ये चेक करना है कि ये बी का रोस्टर रूप, ये ए का रोस्टर रूप दोनों बराबर है या
नहीं है। तो ए वाले सारे अव्यव देखते हैं इसमें है या नहीं है। उससे पहले हम काउंट करते हैं कितने अव्यव, इसमें पांच अव्यव है और इसमें पांच अव्यव है, तो अव्यव की संख्या तो बराबर है। अब अव्यव और देखते हैं बराबर है या नहीं है। तो दो इसमें है, दो इसमें भी है, चार भी है दोनों में, छह भी दोनों में है, आठ भी दोनों में है, दस भी दोनों में है। इसका मतलब क्या हो गया कि आपका ए बराबर हो गया बी, दोनों समुच्चय क्या है एक दूसरे में, एक दूसरे के अवयव विद्यमान है दोनों में। ए में जो अवयव है वो बी में विद्यमान है, तो बी में अवयव वो ए में विद्यमान है, इसलिए दोनों क्या हो गए, समान समुच्चय हो गए। अब है आपका इसका लास्ट पार्ट, पार्ट चार। तो लास्ट क्या कह रहा है आपको कि एक्स ए में कह रहा है एक्स संख्या दस का एक गुणज है, दस का गुणज होना चाहिए। दस का गुणज का मतलब क्या हो गया आपका, दस बीस तीस चालीस पचास, इस प्रकार से चलता जाएगा। अब ये तो हो गया आपका ए बराबर, समुच्चय ए आ गया। अब समुच्चय बी आ गया, तो इसमें अवयव की संख्या अपरिमित है, इसमें भी अवयव की संख्या क्या है, अपरिमित है। फिर देखो इधर सब में दस का भाग जा रहा, तो इधर भी सब में दस का भाग जाना चाहिए, तो दस का भाग दस में जा रहा है लेकिन दस का भाग पंद्रह में नहीं जा रहा, तो पंद्रह बट्टा दस से आपका पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, वैसे पच्चीस में नहीं जा रहा। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके ये जो दोनों समुच्चय है वो समान नहीं है, क्योंकि ये तो कह रहा है कि दस का भाग जाना चाहिए, दस का गुणज मतलब भाग जाना चाहिए, और इसमें क्या हो रहा है कि कई अभी वैसे विद्यमान जिसमें भाग नहीं जा रहा, भाग नहीं जा रहा। इसका मतलब ये हो गया कि दोनों समुच्चय बराबर नहीं है, तो हम कह देंगे कि आपके ए तथा बी दोनों ही क्या है, असमान समुच्चय है। इसी के साथ आपका क्वेश्चन चार भी कंप्लीट हो जाता है। तो आपको इस प्रकार आगे भी जो क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करने की कोशिश करना है, उसके लिए देखो जिनके पास बुक्स है वो तो आप बुक्स में देख लो, जिनके पास बुक्स नहीं है तो आपको बताया जो होमवर्क वाला पेज है उसमें आपकी पीडीएफ लगाई हुई है, 11th मैथ के एनसीईआरटी बुक है, तो उस बुक में आप देखोगे तो आपको हिंदी मीडियम की पूरी बुक मिल जाएगी और उसमें आपकी एक्सरसाइज मिल जाएगी, उसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उन पर डिस्कस करना, और आगे जैसे ही मैं करवाऊंगा तो आप चेक कर लेना कि आपने सही किया या गलत किया। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।